यार कहाँ फंस गया हूँ, जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आओ आओ रवि बेटा, आज फिर से सोचने का दिन है या कुछ करने का भी प्लान है? क्या करूँ शर्मा जी, जॉब मिलती नहीं, घर वाले बोलते हैं कुछ कर, पर क्या करूँ ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तुम लोग सोचते बहुत हो पर करते कम हो। कभी कभी सोचना छोड़ो और बस करना शुरू कर दो। आपके लिए ये कहना आसान है शर्मा जी, आप तो सेटल्ड हो, आपकी अपनी दुकान है। अरे सेटल्ड? तुम्हें पता भी है, जब मैंने ये दुकान खोली थी तब एक भी कस्टमर नहीं आता था। लोग समझते थे कि मैं एक पागल इंसान हूँ। सच में? फिर कैसे चलाया आपने? सिंपल, एक दिन एक कस्टमर आया और मैंने उसे कहा, भैया कुछ भी ले लो, पहली सेल है, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बस उस दिन से हर दिन एक नया कस्टमर बना। तो आपके लिए तो सब डिस्काउंट पे ले गए होंगे। हाँ, लेकिन उस एक छोटे से स्टेप ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैं समझा छोटे छोटे कदम लेने से भी बहुत बड़े फर्क पड़ते हैं। शर्मा जी, आपने कहा था कि छोटे छोटे कदम लेना जरूरी है, पर कौन से कदम लूं ये समझ नहीं आता। बेटा, कदम लेने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, मुझे क्या पसंद है? जो पसंद है उसी के लिए मेहनत करो। फिलहाल तो तुम वैसे ही कुछ नहीं कर रहे हो, तो कम से कम वो करो जो तुम्हें पसंद है। मुझे राइटिंग बहुत पसंद है, बट राइटर बनने में पैसा नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता, सेटिस्फेक्शन भी बहुत कुछ होता है। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हारी राइटिंग कितने लोगों को पसंद आती है, कितने लोग पढ़ेंगे, वो टाइम डिसाइड करेगा, तुम्हारा पैशन नहीं। और वैसे भी तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कमा रहे हो, तो कम से कम अपनी पसंद की चीज़ करना शुरू तो करो। और फिर टाइम को डिसाइड करने दो कि तुम्हारी राइटिंग सबको पसंद आती है या नहीं। मतलब ये कि अगर तुम्हें लिखना पसंद है तो पहले लिखो, फिर देखो कि उससे तुम्हें खुशी मिलती है या नहीं। और अगर मिलती है तो कोई ना कोई पढ़ेगा जरूर। आओ आओ रवि बेटे, आज तो बड़े खुश लग रहे हो तुम, क्या बात है? शर्मा जी, आपको पता है मैंने लिखना शुरू कर दिया और एक ब्लॉग बनाया, और आज मुझे मेरा पहला कमेंट भी मिला। वाह, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। कौन है जिसने कमेंट किया है? कोई अनजान बंदा है, लेकिन लिखा था गुड जॉब कीप राइटिंग। बस अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें क्या करना है। अब अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाओ और देखो तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। आपने सही कहा था शर्मा जी, छोटे छोटे कदम, लेकिन उससे जो चेंज आता है वो बहुत बड़ा होता है। और बस थोड़ा ह्यूमर और पेशेंस का भी रखना जरूरी है रवि बेटा, जिंदगी कभी कभी हमसे कॉमेडी भी करवाती है।